जॉन अब्राहम से जानिए, रुस्तम का नेवी कॉस्ट्यूम नीलाम होना चाहिए या नहीं। अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम में पहने गए नेवी के कॉस्ट्यूम की नीलामी को लेकर हुए विवाद पर जॉन अब्राहम ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। अपनी अगली फिल्म परमाणु स्टोरी ऑफ पोखरण में जॉन भी आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई देंगे। जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार ने भले ही चंद फिल्मों में ही साथ काम किया हो, लेकिन अक्षय कुमार को जॉन अपने बड़े भाई जैसा मानते हैं और दोनों के रिश्ते बेहद करीबी हैं। जॉन ने जब अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम के दूसरे भाग में काम किया था तो कथित तौर पर उन्होंने इसके बारे में अक्षय को सूचित किया था और अक्षय ने भी उन्हें फिल्म करने के लिए प्रेरित किया था। पिछले दिनों अक्षय ने एक ऑक्शन साइट के जरिए रुस्तम वाली नेवी यूनिफॉर्म को चैरिटी के लिए नीलामी के लिए रखा तो विवाद छिड़ गया। इस मामले में अक्षय को कानूनी नोटिस भी भेजे गए हैं क्योंकि मामला नेवी यूनिफॉर्म का है। परमाणु के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब जॉन से इस विवाद के बारे में पूछा गया तो जॉन ने साफ कहा कि वे इस मामले में खुद को पॉलिटिकली करेक्ट नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से अक्षय कुमार के साथ स्टैंड करूंगा, मैं उनके साथ सहमत हूं। यह कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म की। परमाणु में जॉन भी आर्मी अफसर के किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि परमाणु की रिलीज तारीख को लेकर लगातार संकट के बादल छाए रहे थे, लेकिन अब फिल्म 25 मई को रिलीज के लिए तैयार है। खास बात रही कि जॉन ने ठीक उसी दिन फिल्म का ट्रेलर जारी किया जब भारत के पोखरण टेस्ट की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी।